लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार राज्य बोलिए, बहुत सारे ऐसे राज्य बोलिए अभी भी पीछे था। कोल्ड चेन इत्यादि बहुत सारे हैं जिसपे गवर्नमेंट के तरफ से आपको एक बड़ी सब्सिडी मिलती है जो 35% से लेके 50% तक। अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में सबसे पहला जो स्थान वो इंडिया को गया, और ये सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उपलब्धि है, जबकि चारों तरफ अभी बिहार में दंगे फसाद और जो स्थिति बिहार की बनी हुई है उसी के बीच हम बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम अभी 9 अप्रैल को करने वाले हैं जो डेफिनेटली रोजगार के रिलेटेड है। हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हम ये भी जानते हैं कि भारतीयों को भोजन बहुत ज़्यादा पसंद है, खाना का पसंद है, लेकिन खाना उगाना और खाना खरीदना ये अलग बात है। जब आपको भूख लगती है तो आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन जब उगाने की बात आती है तो हम लोग उस पर बात ही नहीं करते। और वही पे बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो फूड प्रोसेसिंग निभाती है। अगर मैं आपको बात करूँ कि वैरायटी ऑफ फूड के बारे में बात करूँ तो रॉ फूड, कुक फूड और प्रोसेस फूड, ये 3 तरीके के फूड में डिवीजन हमारे फूड प्रोसेसिंग में दिया गया है। प्रोसेसिंग फूड की वैल्यू धीरे धीरे ऐड हो रही है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार राज्य बोलिए, बहुत सारे ऐसे राज्य बोलिए अभी भी पीछे था। और साथ में हम लोग जब सुबह उठते हैं, हम सब जानते हैं कि भाई भूख लगते साथ मैगी, नूडल्स, जूस या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर आदि की हम लोग की आदत है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएगी जब कोई ये सपना देख पाएगा कि हमें फूड प्रोसेसिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोग एक जगह में एक यूनिट पे उगा पाए। और ये ऑनरेबल पीएम मोदी के विजन के वजह से ये सफल हो पाया जो आज 2023 को मिलेट ऑफ द ईयर के नाम से घोषणा की गई, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अलग अलग उसमें विभाग है, मिनी फूड पार्क, कोल्ड चेन इत्यादि बहुत सारे हैं जिसमें गवर्नमेंट के तरफ से आपको एक बड़ी सब्सिडी मिलती है जो 35% से लेके 50% तक का। और जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के तरफ से 10 करोड़ से 50 करोड़ की लागत आपको दी जाएगी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में आप उसको दे पाओ। और ये इतनी बड़ी क्या कहते हैं आपकी रोजगार का योजना है जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी के जो आपके जो किसान विकास योजना के तहत ये सारी चीज़ें हर जगह हर राज्य में हम लोग देख पा रहे हैं। और इसीलिए ये साल मिलेट्स में, मिलेट्स मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मोटा आना, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, ब्लैक वीट ये सारी चीज़ें आती हैं, और राजस्थान जो है इस बार सबसे बड़ा टॉप टियर, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में सबसे पहला जो स्थान वो इंडिया को गया, और ये सिर्फ और सिर्फ 9 साल की उपलब्धि हमारे ऑनरेबल पीएम की वजह से हुआ है, और जिसके विजन को कैरी करते हुए हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ये सारे काम बड़े देखरेख में बड़े अच्छे से हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले वो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जिसमें बहुत सारा विजन डॉक्यूमेंट फूड प्रोसेसिंग के ऊपर उस दिन आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज इसमें आने के लिए।